हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टीनिया क्राइसिस। टीनिया क्राइसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि शुरुआती स्टेज में हमें एक दाद की तरह ही नज़र आता है, और दाद की तरह नज़र आने से ही हम इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और नज़रअंदाज करते हैं। फिर ये फैलना चालू हो जाता है और ये धीरे धीरे अपने गुप्त अंगों से लेके जहाँ भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है या सूखता नहीं है वो जगह, उसमें ये फैलते जाते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पे, चेहरे पे भी हो जाते हैं, और फिर एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, रात को भी सोने नहीं देती है। दोस्तों, इसके लिए हम बहुत से ट्रीटमेंट लेते हैं और ये ट्रीटमेंट चालू करते ही 5 दिन में ठीक भी हो जाता है। हम ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं पर ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है और ये वापस दुगुनी गति से फैलता है, और जो हमने ट्रीटमेंट लिया उसके प्रति ये रेजिडेंस प्राप्त कर लेता है, रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेता है, और फिर उस दवाई से ये ठीक नहीं होता तो हमें चेंज करना होता है, और फिर डॉक्टर दूसरे को दिखाते हैं तो वो पहले वाला ही ट्रीटमेंट लिख देता है और हम इससे बुरी तरह ग्रसित हो जाते हैं और सालों लग जाते हैं इसके सही होने को। दोस्तों, मैं आपको इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट बताता हूँ, पर आपको उसको पूरे मन लगन से फॉलो करना होगा। दोस्तों, ये कम से कम 3 महीने का ट्रीटमेंट है। दोस्तों, आप शुरुआत कीजिए ट्रवेनाफाइन 100 mg टैबलेट, सेट्रेजिन फ्लुकोनाजोल 150 mg टैबलेट, और एक क्रीम आती है लोलीफिन, उसमें लुलीकोनाजोल साल्ट आता है। दोस्तों, इन सब की तस्वीरें मैं आप इस वीडियो में लगा रहा हूँ, तो आप आराम से देख लीजिए। दोस्तों, अब आपको शुरुआत करनी है ट्रवेनाफाइन, सिर्फ 60 टैबलेट लानी है, रोज़ की आपको 1 टैबलेट लेनी है। सेट्रेजिन आपको सिर्फ 7 दिन लेनी है और रोज़ की 1 टैबलेट लेनी है। 7 दिन बाद में सेट्रेजिन और ट्रवेनाफाइन को आप बंद कर दीजिए, और फ्लुकोनाजोल इन्हीं के साथ लेनी है लगातार 150 mg 3 दिन, फिर 3 दिन से 150 mg एक और, फिर 3 दिन से एक और, फिर 3 दिन से एक और, फिर दोस्तों आपको 3 दिन नहीं 7 दिन से फुल्कोनाजोल 150 mg टेबलेट लगातार 3 महीने तक लेनी है, मतलब सप्ताह में एक महीने में चार। ये तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, सप्ताह में एक टेबलेट फुल्कोनाजोल 150 mg, उसके बाद फिर आपको ये लेनी है पूरे 3 महीने तक, मतलब 12 टेबलेटें और। और दोस्तों, ये ट्रीटमेंट आप चालू करोगे तो शुरुआती स्टेज में ही एक आपके शरीर से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, पर ये आपके शरीर के अंदर जीवित रहता है। और दोस्तों, लोलीफिन क्रीम आपको जब तक लगानी है जब तक ये शरीर के ऊपर चकते दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देने के बाद दोस्तों आप लोलीफिन क्रीम भी बंद कर सकते हैं, पर आप फ्लुकोनाजोल 3 महीने तक बंद नहीं करोगे। दोस्तों, ये ट्रीटमेंट मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ये आपको ऐसे ही करना है। ट्रवेनाफाइन ओडी 7 डेज, सेट्रेजिन ओडी 7 डेज, लोलीफिन जब तक आपको वो दिखाई देते हैं तब तक, और फ्लुकोनाजोल शुरुआती स्टेज में लगातार 3 दिन, फिर 3-3 दिन से 3 बार, फिर 7-7 दिन से 3 महीने तक। और दोस्तों, खास बात, आप टाइट कपड़े पहनना छोड़ दीजिए 3 महीने तक, लाइक दैट अंडरगारमेंट्स। आप अंडरवेयर तो ना ही कि उसकी जगह कोई आप ढीला कपड़ा पहन सकते हैं, ना पहने तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, जो कपड़ा आप इस्तेमाल करें हो सके तो प्रेस करके ही करें, तौलिया भी प्रेस करके ही करें, या फिर तौलिया यूज नहीं करके आप ऐसे ही सूख सकते हैं, क्योंकि आप अंडरवेयर यूज करें, आज तो आपने धो दी, वो शाम को दोबारा पहनोगे या अगले दिन पहनोगे तो उसमें वायरस रहता है, फंगल रहता है, और वो फंगल वापस आपके शरीर को ग्रसित करेगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ट्रीटमेंट लेने का। एंड तौलिया भी आप गीला रहता है, उसमें ये जो फंगल ख़त्म नहीं होता है, वापस यूज करोगे ये वापस लगेगा, पूरे शरीर को लगेगा। तो आपको कपड़े पहनते हैं जैसे रात में, वो भी इससे ग्रसित हो जाते हैं, दोबारा यूज करोगे तो दोबारा लगेगा। तो आपको बहुत ही 3 महीने तक कड़ी मेहनत करनी होगी, 3 महीने नहीं तो दोस्तों कम से कम इतने दिन तो खास ध्यान रखो, जब तक शरीर के ऊपर इनका पस दिखाई देता है। आप ये ट्रीटमेंट शुरू करोगे 7 दिन बाद में आपको ऊपर स्किन के दिखाई नहीं देंगे,
फिर आप बंद कर सकते हो। उसके बाद आपको ये प्रेशर ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फ्लुकोनाजोल मत छोड़ना, हो सके तो 3 महीने या 5 महीने। धन्यवाद दोस्तों, और भी बहुत से रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टीनिया क्राइसिस। टीनिया क्राइसिस